हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आज की क्लास में मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास जो चल रहा है दोस्तों, और एसएससी एमटीएस एसएससी आल एग्जाम के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए, क्योंकि दोस्तों यह एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है और आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए और लगातार पढ़िए दोस्तों। और देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है और दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों ना, कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत करिए ताकि आपका एग्जाम एकदम क्रैक कर जाए इस बार। तो दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। और देखिए दोस्तों, यह रिवीजन क्लास है दोस्तों, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब आपको एग्जाम में बैठेंगे तब समझेंगे हाँ यही क्वेश्चन आया, सर बताए थे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, विश्वास दिला रहा हूँ आपसे, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, भागिएगा मत, बस भाग जाएंगे दोस्तों, चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात और, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, लाइक और डिसलाइक का आप जरूर करिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और जो लोग नए दोस्त होंगे दोस्तों, जो लोग नए फ्रेंड्स हमारे इस चैनल से जुड़े होंगे, वे लोग जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि पी रेशियो क्यू बराबर 5:2 है तो 2P-3Q रेशियो 3P-5Q निम्न में से किसके बराबर है। देखिए दोस्तों, मैंने बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम सेकेंडों में चुटकियों में उड़ा देंगे, बस आप वीडियो पे बने रहिए, समझ के जाइए, समझा दूंगा मैं आपसे, वादा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन है सीधे आपके दिमाग में घुसाऊंगा, बस जाइएगा मत। तो आते हैं क्वेश्चन, देख लिए, पढ़ लिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। किसमें पूछ रहा है दोस्तों, 2P-3Q रेशियो 3P-5Q निम्न में से किसके बराबर है, यानी इसका तो मान दिया है दोस्तों, P का मान 5 दिया है और Q का मान 2 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2P-3Q, ठीक है, रेशियो है, हमने रेशियो यहाँ लगा लिया, 3P-5Q, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 लिखा है, P का मान कितना है, 5 है, गुने यहाँ 5, ठीक है, -3 है, 3 को लिखेंगे, क्यू का मान 2 है, गुने 2 कर देंगे, रेशियो है, रेशियो का चिन्ह लगा लेंगे, 3 है और पी का मान 5 है, 5 लिखेंगे, -5 है, क्यू का मान कितना है दोस्तों, 5 है, नहीं एक मिनट, यानी क्यू का मान 2 है, ठीक है, यानी क्यू का मान 2 है, 2 लिख देंगे। अब इसका गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 10-3 × 6 रेशियो 3×5=15, ठीक है, और -5×10। अब क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा लेंगे, बचेगा 4 रेशियो 15 में से 10 जाएगा 5, यानी वो दोस्तों आ गया आपका राइट आंसर, यानी 4:5। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा है। अगर आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आपको पढ़ाने में, इस वीडियो को बनाने में दोस्तों, क्योंकि यह बोर्ड पे लिखना पड़ता है, ये आपका डिजिटल सिस्टम नहीं है दोस्त। तो दोस्तों आप चलेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, देखिए, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टे देने के बाद, बट्टे का मतलब होता है दोस्तों छूट, ठीक है, डिस्काउंट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, पहले 10% छूट देने के बाद, यानी बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य पता करना है, क्या पता करना है दोस्तों, साइकिल का क्रय मूल्य पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए, ठीक है,
सीपी हमें निकालना है, लेकिन रुपया अंकित मूल्य कितना है, 1100 रुपये। ठीक है, हमें पता करना है सीपी 1100 रुपये है गुने। अब इसके बाद 10% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। क्या कर रहा है, 10% छूट दे रहा है, तो 100 में से हम -10% घटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, 10% लाभ होता है। अब 100 में से ही क्या 10% उसे लाभ हो गया, तो हो गया 120। यहाँ घटा देंगे, घटा के लिख देंगे। मैं थोड़ा आपको दोस्तों आसान तरीके थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यानी यह आ जाएगा 90 दोस्तों, यानी 100 में से 10 घटा देंगे। क्योंकि जब दोस्तों एक दुकानदार को एक बार क्या हो रहा है, इसमें बटा यानी छूट दे रहा है, और एक बार क्या कर रहा है दोस्तों, एक बार लाभ होता है, यानी 10% की छूट देता है और उसी पे 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसी लिए क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90, और 100 और 10 जोड़ देंगे यानी 110 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, 0 से 0 कटा लेंगे, और 11 एक कम 11, 9 का गुणा 1 में कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा कितना, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 यानी इसका जो सीपी यानी क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 900 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया होगा दोस्तों तो बिना लाइक किए करने कहिए आप जाइएगा मत, क्योंकि अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों एक ही बात, कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही मेहनत से तैयारी करिए। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चाहे तो आप एक ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए कितना है, 1100 है ना, तो 1100 लिखेंगे गुने। ठीक है, यानी एक बार कितना हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है, यानी छूट दे रहा है, तो हो जाएगा 90, और एक बार 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ जब जुट जाएगा 100 में तो हो जाएगा 110। ठीक है, 0 से 0 कटा, 9 11 कम 11 11 कम, यानी आ गया इस तरीके से। ठीक, डायरेक्ट भी आ जाएगा, यानी मैं आपको थोड़ा बड़ा इसलिए बताया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। तो अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी रिपीट होते हैं। तो आते हैं दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 10% की और तथा 20% की जो लंबाई और चौड़ाई का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी बढ़ रहा है की जाती है। तो परिणाम आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा दोस्तों, यानी क्षेत्रफल कितना अधिक होगा यही बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों लगाने के लिए ना मैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक में बता दिया हूँ, अगर जो लोग नहीं भी जानते हैं वह देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों a प्लस b प्लस ab बटे 100%। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद कर लो, आप लिख लो कहीं, क्योंकि यह ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, यानी जब भी दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत ऐसे ट्रिक से क्या करेंगे, जब जानते रहेंगे तब ना बनाएंगे, लेकिन जब जानते नहीं रहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और एक बार 20% की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10% प्लस 20% प्लस ए का मान कितना दिया है, ए का मान मान लेते हैं, ये समझ लीजिए हम डायरेक्ट बता दिया, ए का मान 10% और बी का मान 20%। अब इसके बाद ए या ए बी का मतलब होता है दोस्तों इनटू, तो ए का मान 10 × 20 कर देंगे और बटे 100%। चाहता मैं इसे तो तुरंत आपको सॉल्व कर देता, ठीक है, इसका आंसर तुरंत ला देता, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको समझाना है, क्योंकि आपको हमें बताना है, सिखाना है। तो आते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब परसेंट है, परसेंट लिख देंगे, 0 से 0 कटा दोस्तों, 0 से 0 कटा।
ठीक है, तो 10 प्लस 20 और प्लस 2 1 कम 2, अब पूरे को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 32% की क्या हो जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा 32% अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी। अब इसके बाद दोस्तों अगर देखिए अगर यहाँ पे देता कि 10% तथा 20%, ठीक है, अगर दोनों बार कमी पूछ देता तब भी स्ट्रिक का यूज करेंगे, अगर एक बार देखिए एक बार वृद्धि पूछ दिया और एक बार कमी पूछ दिया तभी इस क्वेश्चन को अरे सॉरी इस ट्रिक को लगाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन है मैं आज बताया हूँ आज के सेशन में वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों।